पहले ऐसे हमारी जो गवर्नमेंट है ये मेरे पीछे फिर से आ गया और देखिए हटिए जाने दीजिए कैमरा क्यों लगा। Assalamu alaikum guys, this is Ayan Khan and you are watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. मैं बस थोड़ा सा बाहर निकला था दो दिन से, असल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। हो रही थी ना दो दिन से? अबे तो बारिश हो रही थी उसमें कितना क्वेश्चन मार्क वाला क्या बात है यार, चले छोटे मत खा। तो मतलब मैं इसलिए पूछवा रहा था ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। तो अब मैं ट्राई करूंगा डेली रोजाना एक एक वीडियो डालने की, चाहे वो कितनी भी बकवास क्यों ना हो। झूठ बोलो। और मेरे साथ एक बकवास आदमी भी है जो काफी एक्ट कर रहा है कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप का इंसान है। प्रेजेंटिंग यू द मैन हिमसेल्फ मिस्टर राहुल यादव। मिस्टर राहुल कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, आई एम सॉरी बाबू। हम लोग वहीं पे हैं जहाँ बचपन में चीटिंग किया करते थे। ऐ साले पोल खोल रहा है, तो पोल खोल रहा है। तो आज दो दिन बाद जब बारिश खत्म हुई थोड़ी, तो एक बगैरत आदमी ने मेरे पास फोन किया कि भाई बारिश हो रही खत्म हो चुकी है तो बाहर निकलना है। तो मैं निकला, तो अभी हम आए थे यहाँ बाहर रतन सेन डिग्री कॉलेज के पास। ये हम लोगों के बांसी का जो है डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे हम लोगों का जो है क्या बोर्ड एग्जाम, हाँ बोर्ड एग्जाम का सेंटर भी यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम दिया हुआ था। ये मेरा पुराना चैनल था तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी शूट की हुई हैं। हम मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहे। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस मैन? बढ़िया है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पे जब हम लोगों का सेंटर आया हुआ था ना, तो उस वक्त नए नए जो है योगी आदित्यनाथ सीएम बने हुए थे, तो उसी वक्त उन्होंने जो कि आके कैमरे वगैरह लगवा दिए कि अब यहाँ पे जो है चीटिंग वगैरह नहीं होगी, हर तरीके से बंद। लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कहा कि अबे मैंने तो किया ही नहीं था। मैंने तो एक बार किया था मैथ्स के पेपर में, हालांकि उतना छाप नहीं पाया था, एक ही दो क्वेश्चन छापा था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो उस वक्त उतनी मतलब खास करके उतनी चीटिंग नहीं जैसे पहले चलती थी। टेंथ पास डाले का कैंसिल करो पहले। हाँ, ये राहुल की अब पोल खुल चुकी है। अब मास्क अगर तुम निकालोगे तुम्हारे चेहरे से स्कैन करके मार्कशीट रद्द। आ राहुल यादव था जिसने नकल की थी। चल पता चला 12 का मार्कशीट रहे 10 का रहे। नौकरी जाओगे मांगने ना तो तुमसे बोला जाएगा भाई टेंथ की मार्कशीट का नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ट्वेल्थ में भेज दिया। वो तो योगी जी ले गए। क्या करते हो चूतिया अपन ने कहा। मैं था मतलब राजा रतन सेन इंटर कॉलेज के पास में, पीछे आप देख सकते हैं राजा रतन सेन नहीं है। नहीं। रतन सेन है। इतना बड़ा धोखा। अंधेरे में था भाई, मुझे लगता था राजा रतन सेन है। मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, बस यहाँ पे एग्जाम देने आया था। आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ। ओ माय गॉड। Would you like to say anything about this beautiful, beautiful, marvelous college? कितने subject थे अपने? We almost had 6 subjects. 6, 6 थे? Yeah. This is Ritik Roshan. इधर बैठते थे कि उधर बैठते थे? Actually, as far as I remember, I used to sit there. I think so. The foundation stone of the Ratan Sen High School, Vansi, was laid by Zonal. देख भाई ये भी अंग्रेजों ने करके गया। On 24th January of 1915, ये तो पता ही नहीं था। ये देखो the United Provinces भी लिखा है इसपे। Provinces? What कंगना? You can't pronounce. Even I can't pronounce. Sorry, Babu. I am sorry, Babu. मुझे माफ कर दो। अरे रुको चल जी, आप थोड़ा थोड़ा गुफ्तगु कर दे कंगना के बारे में। भाई हम पोडियम के खड़े होते हैं, केबीसी खेलेंगे। मेरा हिसाब से जहां तक लग रहा ये झंडा वंडा फहराने के लिए, हटिएगा जी आप चड्डा पहन के आ गए। हाँ तो ये झंडा वंडा फहराने के लिए थोड़ा लंबा सा झंडा इस पर लगाते हैं। कैमरा पकड़िए जी, हम थक गए जी, बाकी आप संभाल लीजिए जी। ओ भाई ये मास्क की वजह से लगता है सफोकेशन हो जाएगा। खैर तो आपको मैंने दिखाया ये राजा रतन सेन इंटर कॉलेज, बगैरत कैमरा मैन इधर तो पैन कर दे कैमरा। अबे अंदर आदमी है भाई कसम से, वो देख भाई वो अंदर से ताला मार के बैठा है क्या? व्हाट द हेल इज दिस मैन। फील्ड बढ़िया है यहाँ का, यहाँ पे मैच वैच खेलने आते हैं लोग। अबे हमको लग रहा फिर से बारिश होगी। देखो हाँ वो बारिश का मौसम है ही, तो बारिश तो हो ही सकती है कभी भी। और की बाइक नहीं दिख रही इसमें, इसमें नहीं दिख रही। साले साइकिल जैसी तो बाइक है तुम्हारी, सिटी 100। मैं गरीब हूँ। 110, इट्स सिटी 110। दिस लुक्स लाइक अ कनाडा। मारो साले को 5-6 जूता मारो, कनाडा बना दिया इसको। कनाडा आई थिंक वी शुड लीव नाउ। सब जी तरकारी डोसा समोसा, तेरे पैसे उठ गया मेरा भरोसा। साले तू क्या छोड़ा कैसा सोचा, ओ माय गॉड विंगार्डियम लेवियोसा। वो देखो मूवी अपना सपना मनी मनी, जब मैं पहले मूवीज देखता था तो मैं अपना सपना मनी मनी में एक वो था
वो क्या नाम था उसका, अरे वो था अबे वो जो वो व्यापारी बना था पूरा ना जोंग बहादुर कॉकरी कसम खा के था, उस साला किशन को नहीं छोड़ेगा। और वो चंकी पांडे था शायद, हां चंकी पांडे पूरा ना जोंग सबसे खतरनाक उसमें क्राइम मास्टर गोगो लगता है। अब ऐसे सारे अंदाज अपना अपना एक हाइब्रिड बना दिया, एक मूवी के साथ दूसरी मूवी को मिक्स कर दिया वो अंदाज अपना अपना है गोगो वाला। तो तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपना सपना मणि मणि की बात कर रहा हूं, रितेश देशमुख वाली। नहीं तो गलत हो गया, रितेश देशमुख उसमें रहता ना तो ऐसे बोलता पूरा ना जोंग बहादुर कॉकरी कसम खा के था, उस साला किशन को नहीं छोड़ेगा। हम लोग ना असल में जब हम लोग 10 तक थे तो बहुत सारे ऐसे ही मिमिक्री शिमिक्री करते रहते थे। हाँ, पहले बहुत करते थे। अरे उस वक्त एक मूवी आई थी वो कौन सी थी जिसमें बोलता है मिस्टर रंजीत आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो एयरलिफ्ट 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 आई थी वो अक्षय कुमार के, तो उसमें वो एक जनरल रहता है शायद, तो बड़ा घटिया रहता है, घूस ले लेता धोखा देता है बाद में अक्षय कुमार को। तो ऐसे बोलता है, कैसे बोलता है पता ना, अमृता बाबी आप आए थे अपने बेटी के साथ हमारे यहाँ, पहचाना थी नहीं, अबे भूल गए, बहुत अच्छा करते थे। वही वही अक्षय कुमार का नाम रंजीत रहता है, रंजीत मिस्टर रंजीत आपको मैंने पहले भी बताई थी आप अमृता बाबी और बेटी को लेके निकल लीजिए, मगर आप मेरी बात नहीं माने, आप फंस गए। एक उधर कहाँ तू रह गए, इस कबाड़ की दुकान को एक और कबाड़ा याद आ गया, बताना बताना। देख कौन सी मूवी थी वो, हलचल थी, हलचल शायद रहती है, शायद हलचल रहती है। हाँ वो जिसमें ढेर सारे लोग रहते हैं ना, एक बड़ा सा घर, हलचल मूवी रहती है। भाई वो कपड़ा धोता है, इसे बोलते हैं। अच्छा एक बात बता, इस घर में कुल कितने परिवार रहते हैं? इस घर में कितने परिवार रहते हैं? तेरे से मतलब 15-16। तो कही ओह इसे घर क्यों बोलते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? हे राम, इतने जूते मैंने बाहर पॉलिश किए होते तो मेरी खुद की ना होती। ए रुक अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ, चल। ए ये आपको मुझे दिखा रहा था, खट्टा मीठा ले लो। भाऊ मैं शक्कर मांगने गया था, भाऊ क्या नमक बहुत मारा। ये देखे भाइयों बहनों, अभी यहाँ पे धीरे धीरे ग्राउंड पे लोग आने इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी उनके वक्त है आके टहलने का, घूमने का, फिरने का। भाई तुम रियलिटी बताया करो ना, घूमने टहलने का वक्त थोड़ी है। हाँ तो किसका वक्त, थोड़ा प्राइवेसी मिलता है ना लोगों को। अब बताओ किसी को छुट्टा फूकना है, इसके घर पे 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है, ऐसे जगह पे रह रहा भाई साहब, दिन भर काम 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 जीना हराम। मैंने मिथुन की बहुत दिन पहले मिमिक्री सीखी थी, तो उसकी कोई मूवी देखा, उसकी हर मूवी का एक सेंट्रल थीम होता है, उसकी बहन है उसका रेप हो जाता है, वो जाता बदला लेने, तो ऐसे बोलता है चाइना तूने मेरी बहन का रेप किया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे रहता है नहीं रहता है? बोल सारे झूठ बोल बोल मरूंगा, तारीफ कर छुट्टी। अच्छा है, अच्छा है। ये नाना खाटकर है, पाटकर नहीं है। सो गाइस ये व्लॉग कोई मतलब नीयत नहीं थी व्लॉग करने की, हम बोलते हैं ना पॉडकास्ट रहता उसमें एक रहता है फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड, तो ये अनफिल्टर्ड व्लॉग था। हम लोगों ने कोई सोचा नहीं था कि क्या करना है, बस हम लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, ये 2 दिन से अंदर जेल में रह रहे पक गया था, तो ये फोन क्या किया, बाहर आओ ले बे बंद कर दे व्लॉग जा। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग व्लॉग शूट, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, तो फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह 5 बजे मन की बात। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद। सो गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।